कि भाई आपने बोला था कि जब भी दो कोहेरेंट सेट सुपरइम्पोज होंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई, है ना, इनटू आपका कॉस फाइव। तो भाई एक की इंटेंसिटी अगर आई वन है दूसरे की आई टू है, तो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी हो जाएगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन इंटू इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपको कॉस फाइव आ जाएगा, है ना। तो जस्ट आपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली आपकी ये हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कि आई वन आई टू जब सुपर इम्पोज होंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली आपकी ये हो जाएगी, है ना। अब इसमें बेस्ड ऑन द फाइव रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, तो आपने दो तरह के इंटरफ्रेंस डिस्कस किए थे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, है ना, कि एक आपके कंस्ट्रक्टिव डिस्कस किया था आपने, दूसरा डिस्ट्रक्टिव किया था। तो चूंकि लेकिन मैंने बोला ना कि ये सारी जो थ्योरी थी ये तब तक आपका वैलिडेट नहीं हुई जब तक ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हुई, है ना, बिना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के किसी ने भी इसको बिलीव नहीं किया, है ना। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, है ना। तो सिंपल सा जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका पर्पज ही वही है, कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं इसका जो मेन पर्पज है टू ऑप्टेन स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, इसका जो मेन पर्पज है वो ये है टू ऑप्टेन, है ना, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, पैटर्न ऑन स्क्रीन, है ना, कि स्क्रीन पे एक स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑप्टेन करना था, ये इसका बेसिकली आपका पर्पज था, है ना। चूंकि नॉर्मल लाइफ में तो मैंने बोला ही आपको कि नॉर्मल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस जैसी चीज आप ऑब्जर्व करोगे ही नहीं, क्योंकि जो भी सोर्सेज होते हैं वो नॉन कोहेरेंट होते हैं, है ना। आपको पता है स्टडी इंटरफेरेंस तभी आप ऑप्टेन करोगे जब सोर्सेज कोहेरेंट होंगे, तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे इसलिए आपके स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न की, कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसलिए आपके स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न की, है ना। तो जो स्टडी इंटरफेरेंस होता है ये तभी होता है जब कोहरेंट सोर्सेस हो, है ना, कि जब कोहरेंट सोर्स हो, कोहरेंट वेव हो, है ना, तभी स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, और कोहरेंट वेव तभी ऑरिजिनेट होगी जब ये सेम सोर्स से आए, है ना, कोहरेंट वेव शुड कम फ्रॉम द सेम सोर्स, शुड कम फ्रॉम सेम सोर्स, कि अगर सेम सोर्स से आएगी तभी वो कोहरेंट होगी, है ना। तो इसी का जो ऑप्टेन करने का एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू ऑप्टेन द स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। तो भाई यंग्स ने बहुत दिमाग लगाया, भाई जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, वेव नेचर, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नॉर्मल लाइफ में कहीं मिल ही नहीं रहा है। नॉर्मल लाइफ में तो वही है कि एक बल्ब जलाया तो इंटेंसिटी आई वन है, दो बल्ब जलाया तो दोनों की इंटेंसिटी ऐड हो गई। ये टर्म कैसे आएगा कि ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, गायब भी हो सकती है, है ना, इंटेंसिटी रिड्यूस भी हो सकती है, ऐसा तो कहीं देखते ही नहीं हम। तो उसने ये दिमाग लगा के देखा कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे दो कोहेरेंट वेव को सुपर इम्पोज करवाएं ताकि स्क्रीन पे आपको उसका रिजल्ट ऑप्टेन हो, तो उसी को हम बोलते हैं इसलिए आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उन्होंने जस्ट आपके इस तरह से कुछ कार्डबोर्ड्स ले लिए, है ना, कि जो आईडी ऐसी है उसके एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो YDSE में जस्ट आपके दो इस तरह से कार्डबोर्ड थे, है ना, इस तरह से आपके कुछ कार्डबोर्ड्स आ गए, एक आपका कार्डबोर्ड यहाँ पे रख लिया उन्होंने, है ना, ये आपका कार्डबोर्ड कोई आ गया, और इसके पैरेलल में एक दूसरा कार्डबोर्ड, है ना, कि एक कार्डबोर्ड आ गया इसके पैरेलल में क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एक दूसरा कार्डबोर्ड, है ना, ये आपका सेकेंड कार्डबोर्ड आ गया इसी के पैरेलल में, है ना, इसी के पैरेलल में आपने दूसरा कोई कार्डबोर्ड रख दिया और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी, है ना, इसी सब के पैरेलल में यहाँ पे क्या रख दिया, जैसे आपकी एक स्क्रीन, है ना, और यहाँ पे एक स्लेट बना लिया, है ना, यहाँ पे क्या बना लिया, जैसे आपका एक स्लेट, स्लेट का मतलब है कि इसमें एक नैरो होल टाइप का हो गया, इसी को हम स्लेट बोलते हैं। तो स्लेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका ऐसा हो गया, इस तरह से इसमें एक स्लिट कट कर दी, इसमें सिंगल की है, इसमें डबल करते हैं, इसमें दो स्लिट कट की,
है ना, और यहाँ पे ये स्क्रीन है जिसपे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑप्टेन होता है ना, स्क्रीन आ गया आपका, है ना। तो अब इससे बात है कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स था उसकी थ्योरी ये बोलती है कि अगर मैं इस फर्स्ट कार्डबोर्ड के सामने ना अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दूं, फर्स्ट कार्डबोर्ड के सामने अगर मैं कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दूं, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो ये बोलता है कि ये लाइट सीधी ऐसे ट्रेवल करेगी, इस स्लिट से पास होगी और यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पे एक स्पॉट सा बन जाएगा इस जगह पे, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की थ्योरी तो सिंपल सा है कि भाई अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो लाइट बैंडी क्यों होगी, तो पूरी एयर में ट्रेवल कर रही थी तो सोर्स से किसी भी स्क्रीन के पॉइंट तक जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ पे एक स्पॉट बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। एक्चुअली अगर यही चीज होती फिर तो आपको पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। अगर ये स्लिट का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल है, ये स्लिट का साइज अगर स्मॉल है, स्मॉल साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ, कंपेरेबल टू वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ ऑफ वेव या वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये स्लिट का साइज अगर बहुत छोटा है तो हम देखते हैं ना कि ये लाइट स्प्रेड होती है ना, और इसी स्प्रेडिंग एक्शन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट देन लाइट स्प्रेड, एंड दिस स्प्रेडिंग एक्शन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। Action called as interference, है ना, कि ये आपकी स्प्रेड होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका इंटरफेरेंस बोलते हैं कि भाई लाइट सोर्स से गई सीधे नहीं जाती बल्कि स्प्रेड हो जाती है, मतलब एक्चुअली में क्या होगा ना कि लाइट इस तरह से यहाँ पे जब नैरो स्लिट से पास होगी तो ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, है ना, और इसी स्प्रेडिंग को एक्शन को भी कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन। तो हमेशा लाइट की अगर वेव होती है तो वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वेव डिफ्रैक्ट होता है, है ना, चाहे साउंड वेव हो चाहे लाइट वेव हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ये यूजली क्या होता है, इसलिए आपका डिफ्रैक्ट होता है कि भाई किसी भी नैरो ओपनिंग से पास होगा ना तो इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा, और जितना ज्यादा ये साइज नैरो होगा ये स्प्रेडिंग उतनी ज्यादा होती है, ये भी बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, साइज जितना छोटा करते जाएंगे और ज्यादा स्प्रेड होता जाएगा। तो एक स्लिट से ये पास हुआ, सपोज इस स्लिट को हम बोल रहे हैं एस, यहाँ पे दो स्लिट और आ गई, इस स्लिट को हम बोल रहे हैं एस वन एंड एस टू, तो फिर से स्प्रेड होगा क्योंकि अब तो ये नया सोर्स बन गया ना, कि एवरी जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव होता है, जो वेव फ्रंट पे पॉइंट होता है, जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट होता है, तो यहां से फिर से स्प्रेडिंग होगी ऐसे, है ना, किस तरह से फिर से क्या होगा, इसलिए आपकी लाइट की स्प्रेडिंग होगी, है ना, कि भाई स्क्रीन पे जो पहुंचेगा तो हर डायरेक्शन में लाइट फिर से क्या होगा, इसलिए आपका स्प्रेड होगा ऐसे, है ना, किस तरह से बेसिकली आपका कोई लाइट की क्या होगी, इसलिए आपकी स्प्रेडिंग होगी ऐसे। यस सर, यहाँ भी ऐसी है कि जब ये S2 से पास होगा तो ये भी फिर से स्प्रेड होगा, है ना, ये भी क्या होगा बेसिकली आपका इस तरह से क्या होगा, बेसिकली आपका स्प्रेड हो जाएगा, है ना, कि इस तरह से बार बार क्या होगा बेसिकली आपका ये स्प्रेड होगा, है ना, कि इस तरह से बेसिकली आपका क्या होगा बेसिकली आपका स्प्रेड हो जाएगा, है ना, और जब ये स्प्रेड होगा तो आपको तो यहाँ पे जाके इस तरह से इंटरफेरेंस होगा, बहुत पॉइंट पे क्या करेगा जैसे कि आपका कट करेगा, तो हर जगह पे सुपर पोजिशन होगा, पर आप देखो अब ये दोनों कॉरेंट है ना, है ना, क्योंकि अब ये जो दो S1 एंड S2 से वेव आएगी वो कॉरेंट होंगे क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स तो सेम ही है, तो यही YDSE होता है, इसी को हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि दो स्लिट बना के दो कॉरेंट सोर्स आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स एक ही है तो जो भी चेंज इसमें होगा वो दोनों में चेंज हो जाएगा, तो हमेशा ये दोनों चीजें कॉरेंट होंगी, तो इंटरफेरेंस तो बीच में कहीं भी होगा, स्क्रीन पे भी होगा, लेकिन हम उसको ऑप्टेन करते हैं स्क्रीन पे, तो हम बड़ा सरप्राइजिंग चीज देखते हैं ना कि स्क्रीन पे इस तरह से अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन जाते हैं, कि एक ब्राइट बना है दूसरा क्या बन जाएगा, इसलिए आपका डार्क, अगेन ब्राइट और दूसरा क्या बन जाएगा, इसलिए आपका डार्क बन जाएगा, तो ब्राइट एंड डार्क इस तरह से अल्टरनेट क्या बनेंगे, बैंड्स बन जाएंगे, इसी को हम फ्रिंजेस बोलते हैं, इसी चीज को आप क्या बोलोगे, इसलिए आपका फ्रिंजेस, कि भाई इस तरह से व्हाइट है बीच में आपका एक डार्क आ गया, फिर व्हाइट आया फिर से डार्क आ गया आपका, और ऐसे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट आपका आता रहेगा।
है ना, किस तरह से ब्राइट एंड डार्क क्या होंगे, बेसिकली आपके यहाँ पे फ्रिंजेस बन जाएंगे, है ना। तो ये आपका एक फ्रिंज पैटर्न आ गया, दिस इज योर फ्रिंज पैटर्न, है ना। ऐसा ऑप्टेन करते हैं कि भाई लैब में जब परफॉर्म करेंगे ना तो एक्सपेरिमेंटली और इसको हम ऑप्टेन करेंगे कि भाई क्या होगा कि जैसे सोर्स से लाइट गई, स्प्रेड हुई, फिर से स्प्रेड हुई, तो स्क्रीन पे सुपर पोजिशन होता है, स्क्रीन पे दोनों सोर्स से लाइट क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है। तो जब सुपर इम्पोज होगी ना तो इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कॉरेंट है, तो अगर इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर्म होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। जैसे यहाँ पे अगर ब्राइट बना है, इसको हम बोल रहे हैं ब्राइट फ्रिंज, ये आपका ब्राइट फ्रिंज बन गया, तो उसके एडजेकेंस में आपका डार्क बन जाएगा, तो ये आपका डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज बन गया। तो जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे थे ना कि ऐसे सुपर पोजिशन होके मैक्सिमा या मिनिमा बनना चाहिए, वो एक्चुअली में स्क्रीन पे हम ऑप्टेन करते हैं, है ना, कि एक्चुअली में स्क्रीन पे उस चीज को आप क्या करते हो, इसलिए आपका ऑप्टेन करते हो। तो आप फिर बोलते हो कि नहीं, जो भी थ्योरी हम पढ़े हैं ना वो सारा कुछ सही है, है ना, कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में इसकी स्लाइड्स बनी हुई है। आप एनसीईआरटी जब देखोगे तो उसमें इस तरह से स्लाइड्स आ जाएंगे आपको कि भाई ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपकी इस तरह से बना हुआ है उसमें, कि भाई स्क्रीन पे ये चीजें हम क्या करते हैं सुपर पोजिशन की वजह से ऑप्टेन करते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी के इस पेज पे आप देखना तो इस तरह से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन जाएंगे आपके, है ना, कि आप किसी पेज में निकाल के देख लेना अगर विजिबल नहीं है आपको ये, तो है ना। तो आप इसमें एनसीईआरटी में देखोगे तो स्लाइड्स बनी हुई है, तब आपने माना भाई, पहले थोड़ी मान लिया कि ये मैथमेटिकली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बोले हम तो लाइट को वेव ही नहीं मानते, तो हम वेव से जो साउंड वेव से जो चीजें हमने डेवलप की है उसको हम लाइट में क्यों माने। लेकिन फिर बाद में आया कि भाई ये मानने से क्या होता है, यहाँ तो सामने दिख रहा है आपको, नहीं तो फिर बताओ कि रे ऑप्टिक्स या दूसरी चीजों में इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ सुपर पोजिशन है, है ना, कि ये जो है ये इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न बन गया आपका, कि इंटरफेरेंस में ऐसा होना चाहिए, तो भी तभी बेसिकली आपके इस चीज को हमने वैलिडिटी मिली। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, इसी को आप थोड़ा सा मैथमेटिकली पढ़ेंगे कि भाई जो फ्रिंजेस बनते हैं उसका बेसिक पैटर्न कैसा होगा, है ना। तो ये पढ़ने के बाद इसी का मैथमेटिकल एनालिसिस आ जाएगा, है ना, कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बन गए, जो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था कि जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, ये आपका हो जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव होगा और कहीं पे क्या होगा बेसिकली आपका डिस्ट्रक्टिव होगा, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह से हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तब आपको थोड़ा सा इसी चीज को थोड़ा सा मैं ग्राफिकली शो करता हूँ, है ना। तो ग्राफिकली अगर हम शो करेंगे तो इसी चीज को नॉर्मली अब हम ऐसे प्लॉट करेंगे, पूरी चीज प्लॉट करने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट एक आपका एक पूरा सेटअप था, तो मैंने 3D में बता दिया है ऐसा होता है, अदरवाइज आप सिर्फ क्रॉस सेक्शन बनाओगे। अब आपके काम की चीज ज्यादा नहीं है, अब आपकी काम की चीज सिंपल सी दो चीजें हैं, एक तो आपकी ये दो स्लिट्स, है ना, यहाँ पे आपका दो स्लिट्स हो गया और ये आपकी स्क्रीन हो गई, दिस इज योर स्क्रीन, ये दो ही चीजें काम की हैं, स्लिट एंड स्क्रीन, है ना। लाइट आपकी पास होगी इससे, लाइट पास होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, ये आपका स्लिट वन हो गया और ये आपका स्लिट टू हो गया और ये आपकी स्क्रीन हो गई। तो जस्ट इसका क्रॉस सेक्शन आप प्लॉट कर लोगे, ये आपकी स्क्रीन होगी जिसपे की इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्टेन करेंगे और बीच में एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे हम ऐसे, एकदम S1 S2 के बीच में ऐसा एक लाइन बनाएंगे जो कि इसको यहां पे कट कर रहा होगा स्क्रीन को, उसी को हम ओरिजिन लेके चलेंगे। ये मेरा क्या होगा, जो स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न फॉर्म होगा उसका सेंटर ये होगा, ओ सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न, हाँ। तो अगेन वही चीज है कि जब इसमें इस तरह से होगा कि जब भी यहां पे लाइट आपकी इस तरह से इंसिडेंट होगी
मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही आ रही है पहले, है ना, कि जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इससे स्ट्राइक करेगी तो पैरेलल छोड़ी जाएगी, ये तो स्प्रेड हो जाएगी, और जब स्प्रेड होगी तो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होगा, और जब स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होगा तो फ्रिंज पैटर्न बन जाएगा। तो फ्रिंज पैटर्न एक्चुअली में तो ऐसा बनता है कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के टर्म्स में बनता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है ना, इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो इसको जब आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, इसको आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे ऐसे, लाइक दैट, है ना, कि भाई जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसको आपने पीक बना दिया। आपको पता है कि इससे यहाँ पे थोड़ी सी एक मैं थ्योरी लिख रहा हूँ कि आई जो रिजल्टेंट होता है वो आपका होता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू इंटू कॉस फाइव। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, यहाँ पे एक चीज आ जाएगा कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लिट, है ना, कि जो एरिया ऑफ द स्लिट अगर ज्यादा होगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी इंड्यूसर स्लिट की। अगर पहले स्लिट की इंटेंसिटी आई वन है, दूसरे की आई टू है, तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो स्लिट की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बोथ स्लिट्स आर ऑफ सेम साइज, जो कि नॉर्मल होता है बाईडीएसी में, कि बोथ स्लिट्स आर ऑफ सेम साइज, है ना, कि दोनों का अगर साइज सेम है, तो अगर दोनों का साइज सेम होगा तो आपको आई वन की वैल्यू आई टू के इक्वल हो जाएगी, और जब आई वन की वैल्यू आई टू के इक्वल होगी तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी इसकी वैल्यू आपकी फोर आई वन हो जाएगी, है ना, कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर बाई वन हो जाएगी, और मिनिमम जो होगा उसकी इंटेंसिटी आपकी जीरो हो जाएगी, है ना, कि अगर आई वन इक्वल टू आई टू है। तो अगर नहीं है, इफ आई वन इज नॉट इक्वल टू आई टू, हो सकता है स्लिट का साइज अगर अलग अलग हो, अगर सेम साइज की होगी तभी ऐसा होगा, अगर साइज सेम नहीं है फिर आपको आई मैक्सिमम पता है, आई मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और जो आई मिनिमम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इसलिए आपकी जीरो होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, तो सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही है ऐसे, है ना, और मैंने सेम साइज लिया इससे मिनिमम की इंटेंसिटी जीरो बना दी है। तो ये जो ग्राफ है ना, एक्चुअली इंटेंसिटी ऐसा नहीं कि मैक्सिमम से जीरो हो जाती है, ग्रेजुअली चेंज होती है इंटेंसिटी, जो चेंज होती है वो कैसे चेंज होती है, इसलिए आपकी ग्रेजुअल चेंज होता है। जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी अगर फोर आई वन है, हाँ, तो ये आपका मैक्सिमम बन रहा है, तो धीरे धीरे फोर आई वन से थ्री आई वन होगी, फिर टू आई वन होगी, फिर आई वन होगी, फिर जीरो हो जाएगी दोनों साइड में, और ऐसे ही आपके आइडेंटिकल पैटर्न्स आप रीड्रॉ करते जाओ। जो फ्रिंज बनेंगे उसके इंटेंसिटी का हम डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, ये जस्ट सिम्बॉलिक डायग्राम है जो कि इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि भाई जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा, है ना, वहां पे जो इंटेंसिटी हो जाएगी सेंटर में उसके फोर आई वन, और जहां पे डार्क फ्रिंज बन रहा होगा वहां पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। लेकिन फोर आई वन से जीरो कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से जीरो हो गया, फोर आई वन से जीरो क्या होगा, इसलिए आपका कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। तो उसी वेरिएशन को एक ग्राफ शो कर रहा है कि फोर आई वन से जीरो हो गया, जीरो से फोर फिर फोर आई वन हो जाएगा, है ना, और दोनों तरफ इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं, है ना। तो यही आपके इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, ये फोर आई वन हो गया, ये आपका जीरो हो गया, और बीच में और भी इंटेंसिटी होगी, है ना। तो इस तरह से फ्रिंजेस हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, है ना। ये थोड़ा जैसे ऑफिस में
ये आपका गेस दिस राइट, तो ये आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। बेटा कोचिंग सेंटर तो ओपन ही है, ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, अभी तो ऐसा कोई ऐसा आया नहीं है। जैसे थोड़े से स्कूल्स में शुरू हो जाते हैं ना चीज़ें सारी, तो उसको एक बार एसेस कर लें उसके बाद स्टार्ट करेंगे है ना। ऑफिस तो कोचिंग तो ओपन रहती है 24/7 ऑल 7 डेज। क्लासेस तब स्टार्ट होंगी जब थोड़ा सा अभी हम गेज कर लें चीज़ों को, उसके बाद स्टार्ट होंगे ऑफलाइन जो क्लासेस हैं। आपका गेस राइट, तो ये जस्ट आपने कर लिया। थोड़ा सा इसी चीज को हम मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं है ना, किसी सारी चीजों को हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका वी एनालाइज मैथमेटिकली है ना कि भाई जो जैसे मैक्सिमम इनमें बन रहा है वो कहां पे बनेगा है ना। तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए है ना कि YDSE में आपका जो मेन पर्पज होता है कि मैथमेटिकल एनालिसिस का, कि वॉट इज द पोजिशन ऑफ nth maxima है ना एंड nth minima, nth minima ऑन स्क्रीन। वे स्क्रीन पे जो nth maxima एंड minima बन रहे हैं वो कहां पे बनेंगे, इसका मतलब ये हो गया। nth का मतलब ये है कि जैसे जो सेंट्रल बनता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, जो एकदम ओ पे बनता है ना, दिस इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमम। और इस सेंट्रल मैक्सिमम जब फिर से यहां पे मैक्सिमम बन गया, वी कॉल इट एज फर्स्ट मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमम दोनों साइड पे। यहां पे भी आपका एक फर्स्ट मैक्सिमम मिल जाएगा कि दोनों साइड पे क्या बनेगा, इसलिए आपका फर्स्ट मैक्सिमम। फिर आपका यहां पे पीक आ जाएगा, वी कॉल इट एज सेकंड मैक्सिमम है ना, यहां पे भी एक पीक आ जाएगा, वी कॉल इट एज सेकंड मैक्सिमम ना, कि भाई सेंट्रल मैक्सिमम बन गया, फर्स्ट मैक्सिमम बन गया, सेकंड मैक्सिमम बन गया। और उसके बाद आपको होता है यहाँ पे एक डार्क आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मिनिमम है ना, कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका फर्स्ट मिनिमम है ना। तो ऐसे ऐसे लोकेशन होती है, फर्स्ट मिनिमा ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों तरफ होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे बनता जाएगा। तो आपको ये निकालना होता है कि जो मैक्सिमा वगैरह बन रहा है इसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, उसी को सेंट्रल मिनिमा और मिनिमा ऑब्टेन नहीं कर सकते। नहीं, सेंट्रल मिनिमा नहीं बनता हमेशा, जो सेंट्रल में मतलब यहाँ देखो सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन अभी मैं बताऊंगा क्या होता है एक्चुअली, कि कब बनता है वो। तो नाम तो उसका सेंट्रल मैक्सिमा ही रहेगा भले ही वो ओ पे नहीं बने, मतलब ये सेंट्रल नाम इसका सेंट्रल मैक्सिमा ही रहेगा, हो सकता है उसे ऊपर कहीं बन जाए या ऊपर से नीचे बन जाए। तो एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा तब बनता है आपको होता है जब पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाए, कि जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होता है वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो आपको होता है पार्ट डिफरेंस एक ही जगह पे जीरो होगा वो सेंट्रल पे होगा इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा ही होता है, तो पार्ट डिफरेंस जीरो में हमेशा मैक्सिमा ही फॉर्म होता है। आप देखो ये दोनों पाथ आइडेंटिकल है ना, तो अगर ये दोनों पाथ सेंटर पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई ये सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा ना ये ऊपर नीचे शिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब हम कोई और चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। तो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू एन लैम्डा होगी वहां पे एनथ मैक्सिमा बनेगा है ना, और जहां पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 2n-1λ/2 होगी वहां पे nth मिनिमा बन जाएगा है ना, कि डेल्टा एक्स जहां पे जीरो होगा वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, जहां पे n लैम्डा होगा वहां पे nth मैक्सिमा बन जाएगा, और जहां पे इसके इक्वल होगा यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इसलिए आपका nth मिनिमा फॉर्म हो जाएगा है ना, कि nth मिनिमा वहां पे क्या होगा इसलिए आपका फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं है ना, ये आपका आ जाएगा इस तरह से।
आप आ गया सर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा है उसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, या सेकंड मिनिमम बन रहा है तो उसके ओरिजिन से क्या पोजीशन होगी, तो उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है आपको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। मिनिमम ऑन द स्क्रीन इन YDSE, वो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली समझना होगा। यहाँ पे हम ऐसा बना लेते हैं, फिर से अपने काम की चीज आप बना लो, काम की चीज जस्ट आपका ये हो जाएगा कि दो स्लिट्स, कोहेरेंट सोर्स तो चाहिए होगा, और यहाँ पे एक स्क्रीन आ गया, और एक इन दोनों के एकदम सेंटर में हम लेते हैं लाइन, और जहां पे ये कट करता है उसी को हम ओरिजिन बोलते हैं, कि भाई जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ओरिजिन से मेजर करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ डाटा डिफाइन करते हैं इसमें, जैसे एस वन और एस टू के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप स्मॉल डी ले लो, है ना। स्मॉल डी जो हो जाएगा दिस इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट, ये क्या हो जाएगा सिंपली आपका सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी हो गया। एक आप यहां पे टर्म डिफाइन कर देते हो कैपिटल डी, तो ये जो कैपिटल डी होता है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा, है ना। और कोई पी पॉइंट लेते हैं जहां पे सुपर पोजिशन करना है आपको वेव का, वैसे तो सुपर पोजिशन पूरे स्क्रीन पे हो रहा होगा, लेकिन आप कोई पी पॉइंट लेते हो जहां पे सुपर पोजिशन करना है, तो आपको ये तो मेन निकालना पड़ेगा पार्ट डिफरेंस कितना होगा, कि भाई एस वन से पी पे वेव पहुंचेगी और एस टू से पी पे पहुंचेगी, तो दोनों कोहरेंट हैं तो कुछ पार्ट डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस होगा तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, और इस पी पॉइंट की लोकेशन ऑरिजिन से वाई पे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पी पॉइंट पे जब ये आपकी वाई डिस्टेंस है, जब ये वेव पहुंच रही थी इंटरफेयर हो रही थी तो इन दोनों के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस था। तो आपका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव क्या है, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव, बिटवीन लाइट कम्स फ्रॉम एस वन एंड एस टू, जो दो लाइट आ रही है S1 S2 से इसमें पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो मतलब पार्ट डिफरेंस वैसे देखा जाए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे S2P माइनस S1P हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, भाई S2P का पाथ ज्यादा है S1P का पाथ कम है तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। ये अगर कुछ नहीं लें हम तो अप्रोक्सीमेशन तो पार्ट डिफरेंस इतना होगा, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे लेते हैं, यूजली YDSE में होता ही है वो, कि अगर मैं ऐसा ले लूँ कि कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द स्मॉल डी, कैपिटल डी की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्मॉल डी, तो उस केस में जो पार्ट डिफरेंस है ना उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस एस वन से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा इस जगह पे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये कट कर रहा है उसको मैं ले लेता हूँ एस टू डैश है। तो आप देखो वैसे तो जो एस टू पी है इसकी वैल्यू एस वन पी से ज्यादा है, लेकिन जो एस वन पी और एस टू डैश पी है ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे ना, कि जो आपका एस टू डैश पी है ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा एस वन पी के, क्योंकि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये दोनों प्रोफाइल तो सेम ही है। तो आप देखो पार्ट डिफरेंस फिर क्या होगा, पार्ट डिफरेंस ये डिस्टेंस तो हो जाएगा बीच वाला, बीच वाला ये डिफरेंस जो होगा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू इनडायरेक्टली जो हो जाएगी ये आपकी S2 से S2 डैश के बीच पे डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। यही पार्ट डिफरेंस होगा, आगे का पार्ट तो आइडेंटिकल है। अब थोड़ा सा हम ज्योमेट्री ले लेते हैं, कि अगर मैंने बोला ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू d sin थीटा होगी, स्लिट के बीच का सेपरेशन अगर d है तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा d sin थीटा। तो पहली चीज आ गई कि वैसे ये होता है, तो अगर मैं ये चीज अप्लाई करूं कि भाई ये कैपिटल डी लार्ज है, सपोज कैपिटल डी आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और आपका स्मॉल डी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो डी की वैल्यू डी स्मॉल डी की बहुत लार्ज है तो डेल्टा एक्स की जगह पे हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं, डेल्टा डी की जगह पे आप क्या लिख सकते, डेल्टा एक्स की जगह पे डी साइन थीटा। तो पहला अप्रोक्सीमेशन तो ये हो गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन होता है इसमें लाइट अगर है तो कई बार ये भी होता है,
डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लैम्डा, ये जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी उसके कंपेरिजन में डी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डी तो मिलीमीटर में है और लैम्डा जो है आप देख लो जो वेवलेंथ है वो तो आर्मस्ट्रांग में होता है ना। जैसे लाइट का अगर वेवलेंथ में कोई भी ले लूँ तो मान लो 500 नैनोमीटर है, आपको देखो डी की वैल्यू तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर ये होगा तो आप ध्यान रखना हम क्या करेंगे, इस सेंट्रल लाइन को पी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और हम बोलेंगे ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। वो तो होगा ही, मतलब उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ये एंगल बहुत छोटा होता है एक्चुअली, कि अगर ये चीज एंगल एग्जिस्ट करती है देन थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और थीटा अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा सेम होते हैं। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होते हैं, इसलिए आपके सेम होते हैं। तो अल्टीमेटली जो पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा था, इस पार्ट डिफरेंस को हम लिख सकते हैं डी टेन थीटा। और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो वाई हो गया, बेस कैपिटल बी हो गया, तो अल्टीमेटली आपका पार्ट डिफरेंस ये आ गया वाई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल। तो आप ध्यान रखना कि वाई डी एस सी में यूजली जो डाटा होता है वो इस तरह का होता है कि अप्रोक्सीमेशन आप ले पाओ। तो उस केस में पी पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस होगा जब वेव पहुंचेगी तो y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी होता है। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज ही करके रखना है कि इतने अमाउंट का क्या हो जाएगा वहां पे पार्ट डिफरेंस होगा। इसमें y ओरिजिन से उस पॉइंट के डिस्टेंस से जहां पे हम सुपर पोजिशन ले रहे हैं, स्मॉल डी स्लिट के बीच का सेपरेशन है और कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है ना। तो ये चीज हम याद करते हैं पहली चीज है ना। तो ये तो जनरल मैंने बताया ना न्यूमेरिकल के फ्लो के हिसाब से। इसका एक एनसीईआरटी अप्रोच भी है, वो भी डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको लिख लो क्योंकि एनसीईआरटी अप्रोच भी अच्छी है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जो इसी चीज का एनसीईआरटी डेरिवेशन है। इसी चीज का एक एनसीईआरटी ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंस आया, उसको भी थोड़ा सा आप लिख लेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी जो चीज है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे जाते हैं एनसीईआरटी डेरिवेशन ऑफ पार्ट डिफरेंस। जो एक तो आपने सिंपल मेथड से कर लिया जैसे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एक्चुअली न्यूमेरिकल में ये बताना जरूरी है क्योंकि अगर ये चीज नहीं दी हुई है तो पार्ट डिफरेंस एस टू पी माइनस एस वन पी होता है। अगर ये दिया हो तो डी साइन थीटा हो जाता है, और इसके साथ अगर ये भी दिया हो तो डी टेन थीटा हो जाता है, फाइनली आ जाता है। अगर इसमें ये वाला नहीं दिया हुआ है तो फिर हम डी साइन थीटा यूज करेंगे, तो इसलिए ये स्टेप भी नेसेसरी है। एनसीईआरटी में ये चीज सबसे लास्ट में जाकर एड्रेस होती है ना, तो यहाँ पे आ जाता है इसलिए आपका एनसीईआरटी डेरिवेशन ऑफ पार्ट डिफरेंस। यहाँ पर जगह से आपका एनसीईआरटी डेरिवेशन ऑफ पार्ट डिफरेंस। है ना कि भाई पार्ट डिफरेंस का एनसीईआरटी डेरिवेशन क्या होगा। हाँ तो जो एनसीईआरटी का पार्ट डिफरेंस है ना वो भी ऐसी है कि आप मेन चीज बना लोगे पहले तो कि भाई दो स्लिट्स हैं ऐसी, वो अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में,
मुझे कई बार दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, वैसे तो सही दोनों ही है, लेकिन ये भी आपको जानना होता है। और ये आपके रेफरेंस लाइन होगी बीच वाली, स्क्रीन ले लेते हैं पहले, और ये आपकी रेफरेंस लाइन है ना। और यहाँ पे कोई टी पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया जहां पे दो वेव को आप सुपर इम्पोज करोगे, इस तरह से आपका है ना कि तो पी पॉइंट है जहां पे दो वेव को हम क्या करेंगे सुपर इम्पोज, एस वन एस टू, ये आपका ओ हो गया और ये डिस्टेंस आपकी डी हो गया। आप इसको डी बाई टू ले लो, ये डी बाई टू हो गया, ये भी आपका डी बाई टू हो गया, क्योंकि एकदम सेंटर पे लाइन होती है ना। अब एक्चुअली में एनसीईआरटी ने क्या किया ना, पहले एग्जैक्ट निकाला एस टू पी माइनस एस वन पी कितना होगा, भाई पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू है ना उन्होंने कैलकुलेट किया है, वाई डिस्टेंस पे आपको पार्ट डिफरेंस निकालना कितना होगा है ना। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो एग्जैक्ट निकाल लिया कि भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी एस टू पी माइनस एस वन पी। अब आप देखो एस टू पी मुझे निकालना अगर है तो मैं सिंपल ऐसे निकाल सकता हूँ ना, एस टू पी का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं यहां से एक लाइन लूंगा ऐसे, ये वाला डिस्टेंस तो कैपिटल डी हो जाएगी है ना, और ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी डी बाई टू हो जाएगी, ये कैपिटल डी हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी सिर्फ आपकी डी बाई टू हो जाएगी। तो आप देखो हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस से, तो एस टू पी का स्क्वायर आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको तो भाई वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर ही एस टू पी का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे एस वन पी आ जाएगा आपका। अगर ये पी पॉइंट है तो हम यहाँ पे एस वन पी निकाल लेंगे, वही चीज ये भी चीज डी हो जाएगी, और ये आपका अगर डी बाई टू है ना, तो ये वाली डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी ये y माइनस डी बाई टू हो गई है ना, ये क्या हो गया इसलिए आपका y माइनस डी बाई टू, तो यहां से एस वन पी का स्क्वायर हो गया, तो एस वन पी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे कि अगर मुझे यहां से ये निकालना है तो यहां से आपका हो जाएगा एस टू पी का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो एकदम सिंपल सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे सिंपल सा टू वाई डी आ जाएगा है ना, और कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल सा टू वाई डी आ जाएगा इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे। नहीं प्रॉब्लम है निकालना तो आपको एस टू पी माइनस एक्स वन पी है ना, ये तो स्क्वायर का डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने स्किल यूज की है, इन्होंने क्या किया इसको स्प्लिट कर दिया है ना, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया एस वन पी प्लस एस टू पी है ना, और ये आपका टू वाई डी हो गया। अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, कहीं हमने अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं की। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे कि जो एस टू पी माइनस एस वन पी है जो आपको निकालना है मेन, उसकी वैल्यू हो गई टू वाई डी बाई एस वन पी प्लस एस टू पी, यह आपका कि टू वाई डी बाई एस वन पी प्लस क्या हो गया बेसिकली आपका एस टू पी आ गया है ना। अब यहां पे थोड़ी सी चीज आती है कि ये जो टर्म है वो है क्या, एस वन पी प्लस एस टू पी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे उन्होंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि अगर डी की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द स्मॉल डी है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट तो बहुत छोटा होता ही है तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली की हो गई होगा। अगर ये चीज है तो जो एस टू पी माइनस प्लस एस वन पी है ना, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ कैपिटल डी होती है ना, और अल्टीमेटली फिर आपका पार्ट डिफरेंस आ गया, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो टू वाई इंटू स्मॉल डी बाई टू कैपिटल डी आ गया, तो टू टू कैंसिल वाई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी आ गया, जो आपने पहले निकाला था यहां से कि P पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये होगी, सेम चीज यहाँ पे भी आ गई। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज और लगा क्या, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई, बाकी सारी चीजें तो मुझे समझ में आ रही है, क्या चीज आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि वो कैसे हो गया? हाँ इसमें सही है ना कि भाई बाकी चीजें तो सिंपल सी है, वो तो सिंपल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये मैंने अचानक से ये क्यों लिख लिया कि एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू टू डी क्यों हो गई, तो वो एक्चुअली इन्होंने डाटा से निकाल लिया है कि डाटा लेके उसको क्वांटिफाई कर दिया कि डी की वैल्यू इन्होंने ले लिया है सपोज 100 सेंटीमीटर,
स्मॉल डी की वैल्यू सपोज इन्होंने ले लिया 1 मिलीमीटर और जो आपका वाई है वो इन्होंने ले लिया 1 सेंटीमीटर और एक्चुअली में ये वैल्यूज निकाल ली यहां से, जैसे एस टू पी पता है ना उसका अंडर रूट एस टू पी निकाल लेंगे कितना होगा, एस वन पी पता है तो उसका अंडर रूट आ जाएगा एस टू पी स्क्वायर। और उसके बाद जब हम ये निकालते हैं ये डाटा पुट करके कि एस टू पी प्लस एस वन पी की वैल्यू क्या आती है एक्चुअली में डाटा पुट करके फॉर्मूले में, तो ये जो वैल्यू आती है ना ये 200.01 सेंटीमीटर आ जाती है ना। तो देखो डी 100 सेंटीमीटर है और ये चीज 200.01 सेंटीमीटर है, तो आप देखो जो 2D होगा वो इसी के इक्वल ही तो होगा, तो उन्होंने बोला भाई ये 100 का डबल 200 होगा, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेसिकली आपका 2D हो जाएगा, है ना, वो डाटा से निकाला। और ऐसा करने में एरर कितना है आप देखो, एरर का कितना है इसमें कि ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या एरर आ रहा है, एरर आपका 0.01 इंटू 100 बाई 200, वेट 200 में 0.01 का एरर आ गया, इतना ही तो ज्यादा है थोड़ी सी, तो ये जो एरर आ रहा है देखो आपका ये जो एरर है बहुत ही छोटा है ना, कि ऐसा करने से जो एरर आ रहा है आपका है ना, तो मैं इसको रिप्लेस करने में वो 0.005 आ रहा है 5%, तो ये क्या होता है कुछ भी नहीं होता है, तो हम ले सकते हैं ऐसा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में कि अगर कोई अप्रोक्सीमेशन आप करते हो और उसमें एरर बहुत कम आ रही है तो हम अप्रोक्सीमेशन वो ले सकते हैं, है उसमें कोई गलती नहीं होती है, हाँ ले सकते हैं इसे हम वो डी इज़ इक्वल टू हर, मतलब ये होगा तब हर टाइम नहीं, ये चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो ये डाटा अगर एग्जिस्ट करता है तब आप ले सकते हो ऐसे, है किस तरह के डाटा अगर आ रहे हैं तो हम ले सकते हैं एस टू पी प्लस एस वन पी की जो वैल्यू होगी वो 2D के इक्वल हो जाएगी। अल्टीमेटली वही आपका मेन एम जो था कि पी पॉइंट पे पार डिफरेंस निकालना था, तो चाहे आप उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो पार डिफरेंस की वैल्यू आपकी आ गई y into small d by capital D आ गई, दिस इज योर पार डिफरेंस, ये आपका पार डिफरेंस आ गया, पार डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई जैसे कि आपकी ये आ गई, इसको आप लिख लो। अब इसके आगे की चीजें स्टोरी अब हम पढ़ते हैं, मेन जो आपका पर्पस था वो ये पार्ट डिफरेंस निकालना थोड़ी था, आपको तो निकालना था कि पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा एंड मिनिमा कहाँ पे होगा, ये मेन पर्पस था, वह nth मैक्सिमा एंड मिनिमा जो बनेंगे वो आपके किस पोजीशन पे बनेंगे उसको एनालाइज करना था आपने,
ठीक है ना, ये आप आ गए। अब हम आ जाते हैं ये जानने के बाद, दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आएगा स्कूल के और ये आप लिख के आ जाओगे, पिछला वाला तो सब गलत हो जाएगा, ये करना पड़ेगा आपको। और ये डेरिवेशन कई बार पूछ सकते हैं, तो टर्म टू तो सब्जेक्टिव ही है ना, टर्म वन भले ऑब्जेक्टिव हो, है ना, कि जो टर्म टू है वो क्या है बेसिकली आपका सब्जेक्टिव। तो एनसीईआरटी की चीजों को थोड़ा सा ग्रिप में लेके चल रहा है, आप आएगा। अब हम आपको आ जाते हैं कि भाई जो आपने पार्ट डिफरेंस पी पॉइंट पे निकाला है, है ना, अगर वो पार्ट डिफरेंस जो भी आपने निकाला है वो वाई डी बाई कैपिटल डी के इक्वल होगा, अगर वो एन लैम्डा के इक्वल होगा, देन मैक्सिमा विल फॉर्म। अगर ये एम लैम्डा के इक्वल होगा तो मैक्सिमा फॉर्म होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर मैं पोजीशन ऑफ द एनथ मैक्सिमा लिखना चाहूं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा, कि जो एनथ मैक्सिमा होगी वो कहां बनेगा, तो पोजीशन ऑफ द एनथ मैक्सिमा आ जाएगी यहां से। पोजीशन ऑफ द एनथ मैक्सिमा वाई जो हो जाएगा वो आपका एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ द एनथ मैक्सिमा, फॉर्मूला आ गया, है ना। ऐसे अगर ये पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाएगा y into small d by capital D के, अगर ये 2n minus 1 lambda by 2 के इक्वल होगा तो वहां पे मिनिमा फॉर्म हो जाएगा, मिनिमा विल फॉर्म। और जहां पे मिनिमा फॉर्म होगा, अगर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा में लिखना चाहूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, है ना, तो यहां पे आप y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2n minus 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई टू दिया जाएगी। और जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा विल फॉर्म। तो सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन ही वही है कि जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। भाई ये सारे मैक्सिमा और मिनिमा आइडेंटिकल होंगे, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन ये है कि जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। मतलब जो आपने पैटर्न बनाया था ना, अब आपको एग्जैक्ट पोजिशन पता है। अब देखो जो चीज प्रिडिक्शन से स्टार्ट हुई थी, आइगेंस का तो जस्ट एक वाइल्ड गेस था वो, कैसा होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और इंटरफेरेंस की थ्योरी आई साउंड से, अब वो एग्जैक्ट उसके डाटा को वेरीफाई कर रहा है भाई, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट उसकी लोकेशन स्क्रीन पे आ रही, स्क्रीन पे स्केल से मेजर कर लिया हमने, यहाँ पे बन रहा है वो, फॉर्मूला से भी आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली भी वही आ रहा है ना। तो जो यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न आएगा वो आपका इस तरह से आ जाएगा, है ना, कि भाई इस तरह से अगर फ्रिंज पैटर्न बन रहा है तो हर मैक्सिमा जितने भी बने इसमें सबकी पोजीशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से सबकी पोजीशन आ जाएगी। लाइक मुझे अगर निकालना है कि फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब n इक्वल टू वन में यहाँ पे पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन वाई वन जो होगी वो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगी। मतलब ये जो फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगी, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ बनता है आइडेंटिकल चीजें, भाई बीच में एक सेंट्रल होगा, दोनों तरफ आइडेंटिकल चीजें बनेगी, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगी। अगर मुझे निकालना है कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे होगा, फर्स्ट मिनिमा, तो मिनिमा वाले फॉर्मूले में मैं एन की वैल्यू वन पुट कर दूंगा, तो जैसे मैं एन की वैल्यू मिनिमा में पुट करूंगा, ये वाई वन डैश अगर है तो ये आपका लैम्डा डी बाई टू डी आ जाएगा, तो मिनिमा के डिस्टेंस ही आपकी आगे इतनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा टी बाई टू डी हो जाएगी, दोनों तरफ आपकी टू डी हो जाएगी। तो इस तरह से मैक्सिमा एंड मिनिमा पूरे स्क्रीन पे क्या होंगे, बेसिकली आपके फॉर्म होंगे, है ना, कि इस तरह से मैक्सिमा एंड मिनिमा पूरी स्क्रीन पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे इस तरह से, राइट वापस। तो ये आपका होता है पोजिशन ऑफ द एनथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कई बार क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ इसके ऊपर डायरेक्ट आते हैं, एक दो क्वेश्चन शेयर करता हूँ फिर आगे पढ़ता हूँ।
क्वेश्चंस, उसको आप ट्राई कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी करेंगे, पहले थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन दे दूँ आपको मैं। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक ठाक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज बताना कितना हो जाएगा इस प्रश्न में। इसमें तो एक से एक चीजें आएंगी, अभी अभी आप देखते तो जाओ। अरे नहीं तनिष्क कितना थोड़ी हो जाएगा, हाँ पीयूष शाह, योर आंसर इज करेक्ट, पीयूष शाह आपका आंसर सही है। हाँ यथार्थ सही आपका आंसर, मैं सब लोग सही बता रहे हो। अरे वाह एक आंसर सेंटीमीटर में है, एक निहाल राउत का आंसर भी किसी पावर -4 में है, किसी का पावर -7 मीटर में है,
है ना, सही है, सबके आंसर सही है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख दो आपसे, है ना, कि रादर हम इसको क्या करेंगे, सारी चीजों को हम किस में पुट कर देंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग में, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेट करो जरा से, क्वेश्चन कहीं पे हो गया, सबके आंसर सही है। हाँ सही है, सही है, सही बता रहा है इसमें, वही है, कागरजान, सही बोला आपने कि आंसर 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग ही है, सबके आंसर सही है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है कि स्लिट्स की सेपरेशन, सही बात, सही आंसर आपका, इसका लैम्डा का आंसर है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही आंसर है। इसने बोला कि भाई डी की वैल्यू जो भी है डाटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो डी की वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर है, कैपिटल डी की वैल्यू इसने 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि इट इज फाउंड दैट नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, तो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होगी अगर वो वाई वन है, तो वाई वन की जो वैल्यू होगी वो 9 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगी, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो सेकेंड डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन होगी वो आपका हो जाएगा बेसिकली आपका 2 × 2 − 1 लैम्डा डी बाई 2d, है ना, तो ये आपका 3 लैम्डा डी बाई हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन इसने 7.5 दिया हुआ है, मतलब क्या इसने दिया हुआ है कि 9 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी की जो वैल्यू है ना, ये आपका 7.5 मिलीमीटर है, बस वैल्यूज पुट कर दो आप, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सही से अगर यूनिट्स यूज करोगे तो 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, सही बात है, नैनोमीटर सेंटीमीटर किसी में लिखो, 5 के टर्म्स में पावर चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था कि यहाँ इतना बन रहा है, यहाँ इतना बन रहा है, ये डिस्टेंस इतना है तो कितना हो जाएगा, तो सीधे आपने कैलकुलेट कर लिया इसे, है ना। ये आता है एक तो क्वेश्चन, दूसरा एक और क्वेश्चन भी है, वो भी डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। ये कर लेते हैं, ये आपको लैम्डा दिया हुआ है,
बेटा भव्य उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ब्राइट फ्रिंज में मैक्सिमा का फॉर्मूला यूज करना है, जो डार्क फ्रिंज है उसमें मिनिमा का यूज करना है। जहां पे ब्राइट बन रही थी वहां पे मैक्सिमा का फॉर्मूला यूज करोगे, और जहां पे डार्क था वहां पे जैसे उसने बोला था ना नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, तो नाइन्थ ब्राइट का मतलब मैक्सिमा यूज करना है, और उसने बोला था सेकेंड डार्क फ्रिंज, डार्क का मतलब मिनिमा यूज करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको। कोई नॉन बार ब्राइट फ्रिंज यहां बन रहा है, सेकंड डार्क फ्रिंज यहां बन रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है, उससे सॉल्व करना था। हाँ तनिष्क योर आंसर इज करेक्ट। देखते हैं कितने कितने नंबर आते हैं भाई सबके मेजर टेस्ट में, उसके बाद फर्दर मेरा कोर्स होगा कुछ कैसे आपको आगे पढ़ाना है। एक बार मेजर टेस्ट का मैं आपको रिजल्ट देख लूं, फिर कुछ करेक्टिव मेजर्स होगा तो उसको लेंगे। मेजर टेस्ट पूरा अच्छे से करो आप फुल पोटेंशियल से। सही है, देखो मैं इसको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, पहली बात तो ये देखो ये क्या पूछ रहा है ना कि स्लिट प्रोड्यूसेस सेम इंटेंसिटी ऑन इक्वली, मतलब दोनों की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, मतलब इस केस में आई वन इक्वल टू आई टू है ना, और उसको आप ले सकते हो आई नॉट, ये दोनों इंटेंसिटी सेम है। जब दोनों इंटेंसिटी सेम होती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 आई नॉट होती है। हाँ अगर दोनों इंटेंसिटी सेम होगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 आई नॉट। अभी क्या पूछ रहा है ये देखना आपने कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस विद द टू पॉइंट्स ऑन अ स्क्रीन हैविंग द 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम का 75
मतलब इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो 0.75 ऑफ द आई मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, मतलब 3/4 ऑफ आई मैक्सिमम, मतलब 4/4 कैंसिल, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 3 I0 होना चाहिए। तो डायरेक्टली मतलब ये है कि S1 से रे जाए वेव जाएगी, S2 से वेव जाएगी, इंटरफेयर करेंगे, तो अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है और इसकी इंटेंसिटी भी I0 है, कहाँ पे 3 I0 इंटेंसिटी होगी, उन दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे 3 I0 होगा वो कितना हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पहले थोड़ा सा मैं डायग्राम ला लेता हूँ, उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। मतलब आप यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बना लोगे ऐसे, इसको समझना जरूरी है कि क्या पूछ रहे हैं, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम बन गया ऐसे और ये आपका गया ऐसे, है ना। तो आपको तो है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी ये आपकी 4 I0 हो गई, है ना। तो अगर ये 4 I0 है तो यहाँ की इंटेंसिटी कहीं पे 3 I0 हो जाएगी ना। जैसे यहाँ पे 3 I0 है, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे इस सारे पॉइंट की इंटेंसिटी 3 I0 हो जाएगी ना, समझे। तो अगर ये 4 I0 है तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे सबके बीच की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जैसे आपकी इस केस में 3 I0 हो जाएगी, इसकी भी 3 I0 होगी, इसकी भी होगी। तो बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट हैविंग द 3 I0 इंटेंसिटी, तो अगर ये आपका ऑरिजिन है तो आपको ये तो निकालना है कि यहाँ से कितने वाई पे 3 I0 इंटेंसिटी होगी। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला, ये 3 I0 है, ये भी 3 I0 है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो मतलब आपको निकालना है किस वाई पे, y की किस वैल्यू पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू 3 I0 हो जाएगी, y की किस वैल्यू पे I0 और I0 मिलकर 3 I0 करेंगे, उस y का ये डबल हो जाएगा क्योंकि y तो ऊपर नीचे दोनों लोगे ना। तो आपका आंसर अल्टीमेटली जो पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस वो 2 y आ जाएगी। वैल्यू तो y निकाल लेते हैं, देखो I0 मिलकर 3 I0 होना है, फॉर्मूला ले लेते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 3 I0 होना है, I0 + I0 +2 I0 into cos phi, है ना, कि I1 + I2 + 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi आ गया आपका ये। तो यहाँ से cos phi की वैल्यू आ गई, है ना, कि cos phi की वैल्यू आपकी हाफ आ गई, मतलब phi की जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री का मतलब π/3 हो जाएगा। जहां पे phi की वैल्यू π/3 होगी वहां पे I0 और I0 मिलकर 3 I0 प्रोड्यूस कर देंगे, और फाइव की वैल्यू π/3 का मतलब हो जाएगा डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी, है ना, ये आपका हो जाएगा इसलिए आपका 5/2π, है ना। ये तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है, सॉरी लैम्डा भी आ जाएगा, ये रिलेशन होता है आपका इसका। पहले मैं इसको यहां से हटा दूं, जो रिलेशन होता है मेन फेज और पार्ट डिफरेंस में ये होता है 2π/λ इंटू आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो आपने बोला जहां फेज डिफरेंस 5/3 होगा वहां पे ही ऐसा हो सकता है, तो फेज डिफरेंस अगर 5/3 हो तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा यहां से, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो लैम्डा 5/2π हो जाएगी, पाई की वैल्यू यहां पुट कर दो तो डेल्टा एक्स λ/6 हो जाएगा। तो ऐसा वहां पर होगा जहां पर पार्ट डिफरेंस λ/6 होगा, और पार्ट डिफरेंस λ/6 की वैल्यू क्या होती है, y(d/D). तो किस वाई पे ऐसा होगा वो यहाँ से आ जाएगा, किस वाई पे ऐसा होगा वो आपके यहाँ से आ जाएगा। तो वो वाई जो आएगी यहाँ से सॉल्व करके आपकी, है ना, वो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी, वाई की वैल्यू λ(D/6) आपका d आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये वाई आंसर नहीं है, अल्टीमेटली तो 2 y निकालना है, मतलब अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया λ(D/6) आपका 3d, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल डी दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो 0.2 mm आ जाएगा अल्टीमेटली आंसर। तो अब देखो मैंने कैसे प्रोसीड किया, इसने बोला था कि मिनिमम डिस्टेंस टू पॉइंट हैविंग द 75% ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो 4 I0 होता है, तो उसका 75 3 I0 हो जाएगा। तो I0 मिलकर अगर 3 I0 बना रहे तो फाइव कितना होना चाहिए, तो 5/3 आ गया, अगर 5/3 आ गया तो मैंने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, और ये पार्ट डिफरेंस y(d/D) के इक्वल होता है, तो उससे y आ गई, और चूंकि y ऊपर भी होगा y नीचे भी होगा, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है
तो उसका डबल कर दिया, ये अल्टीमेटली आंसर आ जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए तो कैसे हम सॉल्व कर लें। तो आईडीएससी में मैथमेटिकल में चीजों में ये चीज आ जाती है। ठीक, हमने कर लिया इस तरह से। तो आज के लिए इतनी काफी है। तो आज हमने जस्ट आईडीएससी की बेसिक्स पढ़ी है, कल इसी को हम ऑल एक्सपैंड करेंगे, है ना। कि आज जो हमने आईडीएससी की जो बेसिक थ्योरी पढ़ ली है ना, कि भाई मेन फॉर्मूला क्या होता है और आईडीएससी का मेन मतलब क्या है, तो कल की क्लास में इसी थ्योरी को विल एक्सपैंड इट, इसके डिस्कशन पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसके वेरियस पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू। All right.